हमें हमें भी नहीं पहचान आई हम भी नहीं पहचान पाए क्योंकि चोट बहुत ज्यादा थी हमारे बच्चे का हमारा लाज़ नहीं हो रहा है क्यों नहीं जान देते हैं हमारे को क्या हमारा दोष है इसमें बच्चे का है? कभी कहते है जेल में डाल देंगे कभी ये कहते हैं ये तारीख 23 फरवरी सुबह के साढ़े छह बज रहे हैं न्यूज लॉन्ड्री की टीम रोहतक के पीजीआई अस्पताल में मौजूद है 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा बल के जवान और किसान आमने सामने थे इस दौरान नौजवान किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई वहीं तीन किसान गंभीर रूप से घायल हो गए इसके बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी साथ ही बताया कि हमारे कई किसान गायब हैं और जड़े तीन ने वो सीरियस ने और लगभग अड्ड अड खबर ने छः बंदे साढ़े मिस ने अजी उसके बाद हमें जानकारी मिली कि ऐसे ही एक आंदोलनकारी किसान प्रीतपाल सिंह पीजीआई रोहतक में भर्ती है हम पहुंचे उनके परिजनों से उनसे बात की ये प्रीतपाल सिंह की पहले की तस्वीर है और ये अभी की सिंह को 21 फरवरी को हरियाणा पुलिस ने पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर खनौरी से पकड़ा था अभी उनका इलाज पीजीआई रोहतक में चल रहा है प्रीतपाल जी आप कब आए थे आंदोलन में इक्कीस तारीख को पहली बार इक्कीस तारीख को आए थे उसके बाद क्या हुआ सारे बोले उठा कर ले गए और उसके बाद बोले काफ़ी बताएगी मेरे हाँ कब से कब दस डा गया मेरे सर्वे गया जो दो। दोबारा तोड़ दिया मेरा हाँ जी उसके बाद बोले काफ़ी बताए गए हाँ। तो आपको कैसे किस तरीके से लेकर आए थे सागों तो से उठा के हाथों से हाँ। 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 और उठा, उठा कर ले गए मुझे और अंडर ले जा कर वॉरिट में डाल के फिर बैठा मुझे अच्छा हाँ और फिर आप हॉस्पिटल आए हाँ। अभी आप कह रहे हैं कि आप पंजाब जाना चाहते हैं वह शेख रहे हो यहाँ पर फील कर रहा है ये प्रीतपाल की ये तस्वीर है दे देखो जी और उसके बाद अब देखो पहचान में आ रहा है कि ये ये वही है इसके बाद ये देखो अब ये पहचान में नहीं आ रहा है कि ये वही प्रीतपाल है बहुत ही ज़्यादा इतने ज़्यादा आँखों पे भी सूजन है आंखों का भी हमें डर लग रहा है कि आंखें भी इसकी ठीक हो निगाह है ऐसी चली जाए आंखों के नीचे काले काले देखो दब्बे बहुत हैं मुंह से नाक से ब्लीडिंग आ रही है लगातार आ रही है अभी सोया हुआ है ब्लीडिंग रुकी है अभी बैठेगा देखो नाक से ब्लीडिंग आ रही है अभी भी दांत सारे फ्रंट के दांत ऊपर ले सारे टूटे हुए हैं अभी इनका इलाज मतलब ये सिर्फ जो टांग है जिसपे प्लास्टर लगा है जबाड़ा टूटा हुआ है उसका अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ इलाज प्रॉपर चल नहीं रहा है बच्चा बहुत ही ज़्यादा तंग है देख लो रात में ये सोया नहीं है अभी अभी थोड़ा सो रहा है बहुत ज़्यादा दिक्कत में बोला इससे नहीं जा रहा है जबाड़े में फ्रैक्चर है यहाँ पे यहाँ पे दांत टूटे हुए हैं ऊपर को गया हुआ है जबाड़ा अभी तक ऑपरेशन हुआ नहीं है इसका बच्चा भी डर रहा है यहाँ पे ऑपरेशन कराने से अब हम आए तो हमसे ये बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बोलने की स्थिति में नहीं है आप लोगों की थोड़ी बहुत बात हुई होगी इन्होंने क्या बताया इनको यहाँ कैसे लाया गया है हाँ जी थोड़ी बात हुई थी इन्होंने ऐसा बोला कि जैसे ही वहाँ लाठी लाठीचार जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोरी में डाल के बोरी में डाल के मतलब पूरा डंडों के साथ सिर में मारे मुंह पे <laughs> मारे बहुत ज़्यादा मारा उसके बाद इन्होंने एक कॉल कर दिया घर पे कि मुझे ऐसे ऐसे नरवाना लेके जा रहे हैं इसे जख्मी हालत में खून आ रहा है मुंह सर से सर में भी टांके लगे हुए इसके 20, 25 हैं इसके बीस पच्चीस हैं तो थाने लेके गए हैं पहले उसके बाद वहाँ से इसे लेके गए हैं हॉस्पिटल में वहाँ पे इलाज थोड़ा बहुत हुआ उन्होंने रेफ़र कर दिया इधर को रोहतक को नरवाना तक हम पहुँच गए थे क्योंकि उसने कॉल कर दिया था हमें जी नरवाना के पुलिस थाने में ले गए फिर हॉस्पिटल वहीं के ले गए हाँ जी हॉस्पिटल में आप में इनकी तस्वीर दिखा रही थी जो ये चोट लगने से पहले और चोट लगने के बाद हम नहीं पहचान पा रहे हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं कि इतना काफ़ी चोट आई है हमें हमें भी नहीं पहचान आई हम भी नहीं पहचान पाए क्योंकि चोट बहुत ज़्यादा थी हाँ जी हमें भी नहीं पहचान नहीं आई हमें भी ये बार बार कह रहे हैं हमसे भी बोले कि हमको पंजाब ले चलो आप लोगों से भी यही कह रहे हैं हाँ जी हमको भी यही कह रहे हैं भी हम हम मैंने पंजाब जाना है मुझे पंजाब ले चलो okay. हाँ जी डे वन से ही कह रहे हैं मुझे पंजाब ले चलो मैंने पंजाब ही जाना है वहाँ से ही ट्रीटमेंट करवाना है हरियाणा पुलिस ट्वीट करके कह रही है ट्विटर पे कि अब ये खतरे से बाहर है हाँ खतरे से नहीं बाहर है ताई तो कह रहे हैं भी मुझे पंजाब ले चलो okay. हाँ सिर में मतलब चोट आई है हाँ जवाड़ी में चोट आई मुँह में चोट आई इधर आई है दांतों पे यह, यहाँ पर लगा लगा है और पीछे बैग पूरी ब्लैक हो, हो गई है पीछे चोटें आई हैं है ना और जो आई वरी लैग पूरी फ्रैक्चर हो चुकी है हाँ बहुत चोटें आई हैं आपके कितने बच्चे हैं मेरा एक बेटा है हमारा पाँच छः साल का बच्चा है हाँ जी बेटा है छे साल का हाँ जी और एक एक कमाते थे तो घर परिवार पूरा चलता है। हाँ जी आप लोग चाह रहे हैं कि इनको यहाँ से रेफ़र कराया जाए हाँ जी हमें प्रशासन या जो अस्पताल है वो लोग क्या कह रहे हैं हम यही चाह रहे हैं कि इसे यहाँ से पंजाब डीएमसी या चंडीगढ़ पीजे रेफ़र कराया जाए कल हॉस्पिटल ने रेफर कर दिया था लेकिन पुलिस ने इतना दबाव बना दिया कि यहाँ से रेफर नहीं होने दिया हम आज भी बच्चे के मन में इतना डर है वो कहीं घबरा ना जाए ऑपरेशन के वक्त वो यही कह रहा है कि मुझे यहाँ नहीं ऑपरेशन कराना मुझे जाना है पंजाब डीएमसी में या चंडीगढ़ आप कह रहे हैं कि रेफ़र कर दिया गया था लेकिन यहाँ के प्रशासन दबाव बना रहे हैं आप लोगों पे भी कोई दबाव बनाया कुछ मत बोलो जिस दिन परसों से आए थे उस दिन से ही ये बनाया कि आप मीडिया से कोई बात नहीं करनी कुछ मत बोलो नहीं तो आप बहुत बुरे फंस जाओगे तो इस डर से हमने मीडिया से आज तक बात नहीं की अब की है बात जैसे कि रेफर आप लोग चाह रहे हैं कि पंजाब या चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में हो जाए या पंजाब के किसी हॉस्पिटल में हो जाए यहाँ के लोग क्यों नहीं जाने देना चाह रहे क्या कह रहे हैं इन इनको अच्छा अधिकारियों तो से भी बात हुई है हमारे पंजाब के कुछ मंत्रियों से भी बात हुई है और हमारी जो किसान जत्ेबंदी हैं उनसे भी बात हुई है उन्होंने भी पंजाब के कुछ अफसरों से बात की है डीजीपी से बात की है हरियाणा पंजाब वाले डीजीपी ने हरियाणा वाले डीजीपी जी साहब से बात किया ये तो इनकी आपसी डिस्किस है हम जो पंजाब वालों से बात किया वो बोलते हैं भी पंजाब ले जाने से डर रहे हैं हम भी कल मिले हैं एस साहब को भी मिले हैं डी साहब को भी मिले हैं वो भी यही बोलते हैं भी आप दिल्ली ले जाओ रोहतक ले जाओ गुड़गांव ले जाओ और पंजाब नहीं लेके जा सकते इसको हम उनकी ये नहीं पता लग रहा क्या मजबूरी है जो सरकार का कोई दबाव लग रहा है उन पर हमें तो यही लग रहा कोई सरकार का दबाव होगा भी वहाँ पर इसको लेके जाएंगे हमारी सच्चाई बताएगा थोड़ा बहुत बोलेगा हमारे यहीं तो दो दिन हो गए हमें मीडिया के सामने आने नहीं दिया किसी को भी इनको कहाँ से उठाया गया था किसान आंदोलन क्योंकि 21 फरवरी को किसान दिल्ली आने की घोषणा किए थे इनको कहाँ से उठाया गया था इस उस वक्त ये कहाँ पर मौजूद थे ये कुछ बताया कौन लोग इनको बांध कर ले गए थे जैसा कि ये कह रहे हैं ऐसा है भाई साहब ये जैसे पहले उधर पंजाब अपने जो हमारी सीमा वो तो पंजाब की सीमा में से उठाया हरियाणा में थोड़ी ना आएंगे हरियाणा का जो एरिया है वहाँ पर तो कोई भी आदमी जो जिसके पास तो कोई हथियार हो वो भी नहीं आ सकता इस पास इसके पास तो कोई हथियार नहीं था कल हम एसएसपी साहब से मिले वो बोल रहे हैं इनकी वीडियो बनी हुई है इसके पास कोई तलवार है ये हमारा ये धर्म है ये ये है हमारा श्री साहब है ये ये हम हाई कोर्ट हाईकोर्ट का आदेश है कहीं भी ले जा सकते हैं इसका इसको आप तलवार बना जो लो जो मर्जी कह लो ये तो हम हर इंसान पैर सकता है आप लोग क्यों चाहते हैं कि इनको पंजाब शिफ्ट किया जाए जैसे सरपंच साहब बता रहे थे आपके गाँव के कि प्रशासन कह रहे हैं आप दिल्ली लेके जाओ गुड़गांव लेके जाओ लेकिन पंजाब नहीं ले जाने देंगे नहीं पंजाब में ऐसा है ना अभी हमें एक तो दूर पड़ता है हमारा कोई यहाँ पर है नहीं देखो हमें कितनी परेशानियाँ पंजाब में यह सहूलत है भी कई प्राइवेट को अच्छे अच्छे डाइट इलाज करा लेंगे हमारे वहाँ पर दो चार बंदे आएंगे हौसला देंगे कोई ये बच्चे का हौसला टूट रहा है कभी यह रात भी कहता था डॉक्टर के साहब खुद गए पास कह मेरे को यहाँ से चलो मैं यही रोते हैं हम भी कि अगर बच्चे को कुछ होगा हम क्या करेंगे बच्चा नहीं मान लगाया कहने लग गया मेरे को रात सिर्फ बच्चे ने कहा मेरे को मैं रोन लग गया मैं मेरे मतलब जबान में इतना नहीं दम नहीं है गया बोला मैं डैडी मेरे को पाट देंगे तो मेरे पाद नहीं चल्या गया जो दुख देखे चर नहीं गया है जी मेरे को बोला बस मेरे पाट देगा डैडी ये ना करो ऐसा पुलिस ना ना करो मेरे से निजे चलना चाहता जो तुख बचे का मामा अपने मेरा बेटा है क्या करें पुरुष का क्या करना हमने निका है अगर हमारा बच्चे इन सेवे करेंगे हमें क्या तकलीफ़ है ले जाने में हमारे बच्चे का हमारा लाज नहीं हो रहा है क्यों नहीं ले जाने देते हमारे अपना बच्चा हो पता लगता है जिनको खून का है इनका बच्चा हो फिर पूछिए हमें तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है? है क्या हमारा दोष है इसमें बच्चे का है कभी कहते हैं जेल में डाल देंगे कभी ये कहते हैं ये तो आपने सुना कि प्रीतपाल सिंह और उनके परिजन बता रहे हैं कि उनको बोरे में भरकर लाया गया और बुरी तरीके से उनकी पिटाई की गई वो अपने आप को हरियाणा के अस्पताल में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे वो चाहते हैं कि उन्हें पंजाब में रेफर किया जाए लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करने दे रही है इन तमाम आरोपों पर हमने जिंद के एस सुमित कुमार से बात की सुनिए वो क्या कहते हैं

वहाँ पे हमें ये हमारे केस में अरेस्ट भी हो सकता है प्रिंसिपल ऐसा नहीं है जी ये जी। हमारे केस का मुलजिम भी है अच्छा इसको भी अरेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि इसके मेडिकल हालात नहीं है ऐसे हरियाणा से न्यूज लॉन्ड्री डॉट कॉम के लिए प्रशांत और बसंत की रिपोर्ट आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए मेरे खर्च पर आजाद है खबरें